ज्वालामुखी वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं। शांत ज्वालामुखी, ये कभी नहीं फटते। बस करो अपनी बकवास तो। जागरूक ज्वालामुखी, ये बेवजह ही फटते हैं। और प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये ऊपर से तो शांत दिखते हैं पर जब फटते हैं। परंतु कभी कभी ज्वालामुखी के जीवन में भी भूचाल आ सकता है। ये तो बता दीजिए कि बात क्या हुई। बताने के लिए अब बचा ही क्या है। और आप इतने शरीफ मत बने, आपकी इज्जत के पर्चे पूरे गांव में बटे हुए हैं। पर्चे? बिना टांका नसबंदी ऑपरेशन हमने तो करवा लिया। आप भी करवाओगे ना? मन्ने, ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। खानदान की इज्जत के बारे में तो आपने सोचा नहीं, अपनी बहन के बारे में तो सोचते। तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे मैंने कोई नसबंदी नहीं करवाई। तुमने नहीं की नसबंदी? हाँ। मैंने नहीं की नसबंदी? हाँ। तो बचा कौन? क्या नहीं, आप तो करा ही नहीं सकते। ओए होए कंकुड़िया शहर पिया। आपने हमारी अनुमति के बिना हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए शुक्रवार को छेदन के संदेश वाहक पत्र पर हमारा छाया चित्र कैसे प्रक्षेपित किया? शुक्रवार को क्या किया? फायर लगी है जिगर में मेरे लिए सब बदल पे दिया। हम तो है राजा रानी दिल के बड़े। बीवी ने देखा पापा का पोस्टर कर दिया मुझे। शीला प्रेग्नेंट है। अरे मेरी शीला प्रेग्नेंट है। चौधरी साहब, आप तो फौजी की जगह मनमौजी निकले। मैंने तो सिर्फ गाना सुना था, आपने तो शीला की जवानी बर्बाद कर दी। इतनी जोर से पटकूंगा कि टप्पा खाकर छत से लगेगा। जंगेठी गांव के ये तीन पोस्टर बॉयज सरकार से भिड़ तो गए, क्या इनको न्याय मिलेगा? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा! धर्मेंद्र? नहीं, उनका बेटा।